गीतांजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह के अंदर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उदयपुर की यह धरती, मेवाड़ की यह धरती, शौर्य साहस बलिदान स्वाभिमान त्याग की धरती है और इसीलिए जब मेवाड़ का नाम आता है तो हम सबका सिर गर्व से ऊपर होता है। आप सबका भी सौभाग्य है कि आपको इस धरती पर एक मेडिकल साइंस की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में एम्स के डायरेक्टर पद्मश्री रणदीप गुलेरिया जी इस गीतांजलि विश्वविद्यालय का एक नन्हा सा पौधा लगाया जो आज वटवृक्ष के रूप में हम सबकी सेवा के लिए समर्पित है। चांसलर श्री जेपी अग्रवाल जी, वाइस चांसलर श्री एफएस मेहता साहब, कपिल अग्रवाल जी, अंकित अग्रवाल जी, मयूर जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण, इस विद्यालय के सभी प्रोफेसर डीन, इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आए हुए परिवारजन, विद्यार्थी साथियों, गीतांजलि विश्वविद्यालय ने 2000 के बाद इस मेडिकल कॉलेज, इस अस्पताल की शुरुआत की और आज ये विश्वविद्यालय, ये मेडिकल कॉलेज एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है। इस विश्वविद्यालय ने जब मेडिकल कॉलेज शुरू किया तो उदयपुर से बहुत दूर था, लेकिन अग्रवाल साहब ने फैसला किया था कि मैं मेडिकल कॉलेज जो बनाऊंगा वो मेडिकल कॉलेज के अंदर हर गरीब से गरीब व्यक्ति का भी एक बेहतर इलाज हो सके और इसी लक्ष्य के साथ आज ये हॉस्पिटल जहां पर 10 लाख से ज्यादा आउटडोर पेशेंट हैं, और 90,000 से लेकर बड़ी संख्या के अंदर इंडोर पेशेंट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं, और कोशिश की है कि हर बीमारी का इलाज यहां पर हो सके और इसी लक्ष्य से आज 1500 बेड का यह हॉस्पिटल और इसमें पढ़ने वाले वे विद्यार्थी जिनकी सेवा समर्पण इस हॉस्पिटल के पुनीत कार्य में लगी हुई है। विद्यार्थी साथियों, आप सब आज का दिन आपके लिए बड़ा बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
आपने बड़ा कंपटीशन देकर एक डॉक्टर के प्रोफेशनल के रूप में अपने जीवन के लक्ष्य को तय किया। और इसके लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए कठिन परीक्षा का कंपटीशन दिया और आज एक जीवन के एक पहले दौर के रूप में, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को तो पूरे जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मैं जानता हूं कि आदमी 18-20 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में आता है, पीजी के बाद एमसीएच सुपर स्पेशल सेवाएं करते करते उसकी जिंदगी के जो अच्छे दिन होते हैं वो सारे मेडिकल की साइंस में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका ज्ञान अनुभव अधूरा रहता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पूरी जिंदगी भर अध्ययन अध्यापन रिसर्च करना पड़ता है। गुलेरिया साहब यहां बैठे हैं, आप एम्स में चले जाएं, आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर जिनकी 25-30 साल सेवाएं हो गई वह पेशेंट को देखते हैं, फिर पढ़ाने का काम करते हैं, फिर रिसर्च का काम करते हैं, और फिर भी जब बातचीत होती है तो लगता है कि अभी और अधूरा ज्ञान है। और यही भारत की संस्कृति है कि हमने अपने ज्ञान को हमेशा अधूरा समझा है। अच्छे सफल व्यक्ति की जीवन की कहानी यही है कि वह निरंतर छात्र रहे, निरंतर सीखता रहे, अनुभव प्राप्त करता रहे, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई सा भी कार्य हो, हर कार्य संस्कृति के अंदर अगर व्यक्ति ने अपने ज्ञान को अधूरा समझा और ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षाएं उसके मन में रही तो सफलता उसको निश्चित रूप से मिलती रहेगी। और यही आपके जीवन में है कि आपने कड़ी मेहनत कर अभी मेडिकल का प्रथम दौर प्राप्त किया है। आपके माता पिता का समर्पण, आपके पढ़ाने वाले डीन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का समर्पण, कितने लोगों का जीवन आपकी इस आकांक्षाओं को पूरा करने में लगा है। अब आपने जो प्रोफेशन पर मैं अध्ययन किया है उसके लिए आपको समाज के लिए समर्पित होकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे उसमें एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर हो, चाहे डेंटल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मेसी हो, हर मेडिकल का प्रोफेशन जीवन भर लोगों की सेवा और समर्पण के लिए समर्पित रहता है। और एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो हमारे जीवन की कार्य संस्कृति को, हमारे जीवन के लक्ष्य को देश और समाज के लिए समर्पित कर दे। और ये समर्पण, ये सेवा का भाव भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी कारण दुनिया में हमारा नौजवान विद्यार्थियों ने एक अलग पहचान अपनी बनाई है। और आज
मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि लोगों को लगता था किसी समय कि जनसंख्या अभिशाप है, लेकिन आज भारत की ताकत हमारे नौजवान हैं, आज हमारे भारत की ताकत हमारे बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण वह नौजवान हैं जो आने वाले समय के अंदर विश्व में नेतृत्व करेंगे। और ये सामर्थ्य तो ताकत भारत की बनी है तो हमारे नौजवानों के कारण, और ये सामर्थ्य दुनिया आज भारत की ओर देख रहा है। मैं अभी मंगोलिया की यात्रा पर गया था। मंगोलिया देश एक तरफ चाइना, एक तरफ रसिया है। जब वहां प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी तो वहां के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने सबसे पहले वैक्सीनेशन भारत का लगाया और आम जनता के सामने टीवी चैनल पर। दो विकसित देशों के बीच में उस देश के अंदर भी मेडिकल प्रोफेशनल में भारत की प्रतिष्ठा है। डॉक्टर गुलेरिया जी से मेरा बड़ा निकट का संपर्क रहता था क्योंकि वह कोविड के एक्सपर्ट थे, और जैसा उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी समय जब कोविड की वैश्विक महामारी भयंकर थी, किसी समय उनको कॉल करें, टेलीफोन करें, कभी भी पार्लियामेंट में आवश्यक हो जो बुलाएं, जिस सहजता के साथ जो उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना डॉक्टर के जीवन में हमेशा होनी चाहिए। डॉक्टर प्रोफेशन केवल इलाज तक सीमित नहीं है, डॉक्टर का प्रोफेशन उसकी जिंदगी के साथ जुड़ता, उसकी मानवीय संवेदना के साथ, और जितना उसकी मानवीय संवेदना के साथ उसके जीवन के हिस्से के साथ चिकित्सा क्षेत्र का व्यक्ति जुड़ता है उतना ही बेहतरीन इलाज भी करता है और उसके जीवन में खुशी भी लाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया जी इसी तरीके से। मैंने कभी भी किसी भी समय देर रात्रि को टेलीफोन किया, कॉल उठाना, जवाब देना, और जो कुछ भी उनकी जानकारी है, अनुभव है, उनको लोगों के बीच में शेयर करना, ये एक डॉक्टर प्रोफेशन का एक मानवीय हिस्सा होना चाहिए और यही आपके इस जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर आपने ये मानवीय संवेदना का हिस्सा समझ लिया, जो व्यक्ति आपके पास आता है वो ये मानकर चलता है कि आप उसके जीवन में स्वस्थ रखेंगे, और इसीलिए गीतांजलि ने तो लिखा है स्वास्थ्य ही सुख है, और यही मन में रखें कि आपके पास जो भी पेशेंट आया है, मरीज आया है, वो मानकर चलता है कि डॉक्टर मुझे नई जिंदगी देगा, और आपके जीवन का जो भी अनुभव है, ज्ञान है, रिसर्च है, इनोवेशन है, जो भी है, आप भी प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है उसके माध्यम से उसको सुखी करें, स्वस्थ करके भेजें। ये हर डॉक्टर की मानवीय स्थिति होती है, और इसीलिए सीखना, अनुभव करना, नए रिसर्च करना, नए नए बदलते वैज्ञानिक परिस्थितियों को विज्ञान टेक्नोलॉजी के अंदर सीखना, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन केवल आज बदलते परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी आप सीखना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, रोबोट, कई सारी थ्योरियां बदलती दुनिया के अंदर, क्योंकि जितना जल्दी मेडिकल साइंस में परिवर्तन हो रहा है, नए नए जितना रिसर्च हो रहा है, आने वाले समय के अंदर उस बदलते विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर हमें भी बदलना पड़ेगा।
और मुझे खुशी है भारत के चिकित्सक दुनिया में जहां भी काम करते हैं उनकी एक प्रतिष्ठा है, विकसित देश के अंदर भी वहां के सुपर स्पेशलिस्ट सबसे हॉस्पिटल में भी होगा तो भारत का डॉक्टर होगा। और इसीलिए हमें गर्व है कि हम मेडिकल साइंस की बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपने आप को बदलने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा हमारी युवा मानव संसाधन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और उन्होंने साबित करके दुनिया में बता दिया है कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च, नया चिंतन, भौतिक संसाधनों की कमी हो सकती है लेकिन भारत के नौजवानों की सामर्थ्य शक्ति आने वाले बदलते परिदृश्य के अंदर नेतृत्व करेगी और वैश्विक चुनौती और आपदा संकट के समय भारत का मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा उन चुनौतियों से निपटने के लिए। और इसीलिए आप जब यहां से निकलें, क्योंकि आपको भी और अध्ययन करना है, नए रिसर्च करने, मुझे आशा है आप जिस मन विचार से इस प्रोफेशन में आए हैं आने वाले समय के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से स्वस्थ रख पाएंगे ये आपका संकल्प होना चाहिए, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे आशा है कि जिस मानवीय संवेदना के साथ भारत का नौजवान काम करता है, सामूहिकता के साथ काम करता है, आने वाले समय के अंदर मेडिकल साइंसेस के अंदर परिवर्तन के दौर में भी हम साथ होंगे लेकिन आने वाले समय में भविष्य में हम देश के अंदर गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे और उसको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे पाएंगे और बीमारी को रोकने के लिए जो नए रिसर्च हो रहे हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं उसकी जानकारी दे पाएंगे ताकि हमारा काम होने वाली बीमारी को रोकना ये सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और जीवन शैली के परिवर्तन करने के लिए भारत आज दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। अब मेडिकल साइंस हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, हर स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भारत बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने आप को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के अंदर देख रहा है और आप उसके ध्वजवाहक हो, आप उसके प्रणेता हो। मुझे आशा है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से आज जब आप निकलेंगे तो मानवीय संवेदना के साथ समर्पण से, सेवा से इस समाज के अंदर अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।